यहां पे व्हाट विल डू इज जस्ट हेडिंग डालना प्रूव और 2 + √3 इज इरेशनल। हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल मैं करूंगा, एक एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक साइड में दूंगा, आपको प्रूव करना है। प्रूव 7 - √3 इज इरेशनल। जरा ध्यान देना स्टेप क्या है। तो एक एक सबसे पहले स्टेप 1, अज्यूम ये हर एक, ये टाइप 1 है, ये क्वेश्चन का ये लिखना टाइप 1 लिखना। अज्यूम 2 + √3 इज रैशनल। तो आप क्या करोगे, 2 + √3 कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग कौन से फॉर्म में लिखते हैं, P upon Q. लास्ट में क्या करो, 3√3 ये इक्वल टू रहेगा P upon Q - 2 रहेगा। इसका ये जरा चेंज करो, P - 2Q upon Q थ्री यहां पे जाके क्या होएगा, डिवाइड होएगा, तो √3 = P - 2Q upon अब देखो integer - integer upon integer है। integer - integer मतलब क्या, माइनस, ऐसे एक एग्जाम्पल लेते 2 × 2 अपॉन क्या रहते हैं 3 × 2। तो इसका अगर आप आंसर निकालोगे ना, ये क्या आएगा, -2 - 4/6। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -6/6 आएगा, विच इज। तो अभी भी ये पार्ट क्या हो रहा है, ये पार्ट है रैशनल, लेकिन क्या रूट थ्री रैशनल है क्या, नहीं। ये सबको क्लियर है। देखो मैंने इधर क्या किया मालूम है, कि एक एग्जाम्पल आपके लिए लिया कि P का वैल्यू मैंने क्या लिया -2, Q का वैल्यू मैंने क्या किया 2 कंसिडर किया। आप कोई भी आपका पसंदीदा वैल्यू ले लो, सिर्फ आपका Q 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान देना, क्योंकि रैशनल नंबर क्या रहते, P और Q क्या रह सकता है, इंटीजर्स रह सकता है, लेकिन आपका Q 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ये रैशनल का डेफिनेशन है। तो आप कोई भी नंबर ले लो, आप सॉल्व करके देखो, आपको राइट RHS का वैल्यू रैशनली आएगा कुछ भी करके। तो इधर क्या बोलोगे, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस। देयरफॉर आप बोलोगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर क्या बोलोगे, 2 + √3 इज इरेशनल। वैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्राई करो, और जिसको डाउट है यू कैन आस्क, राइट साइड का सम ट्राई कर, डाउट है तो पूछना किसी को। हेलो सर, बोलो सर, 2Q किधर से आया? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, Q से मल्टीप्लाई किया, Q से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर सेम करने, समझा? और कोई डाउट है किसी को? यहाँ पे क्या करोगे, मैं डायरेक्ट स्टेप्स लिख रहा हूं, आप लोग चेक कर सकते हो आपका स्टेप लास्ट में राइट है क्या।
आप चाहिए तो P और Q का एक रैंडम आपका पसंदीदा कोई भी एक वैल्यू उठा लो और आप चेक भी कर सकते हो कि ये एक रैशनल नंबर है या नहीं, चेक भी कर सकते हो आप लोग खुद से। कोई भी वैल्यू लो, सिर्फ Q को जीरो मत लेना, बस उतना ही है, क्योंकि ये फिर अनडिफाइंड होएगा। आप चेक भी कर सकते हो, इट इज स्टिल अ। क्या लिया आपने रुजला, क्या वैल्यू लिया? P और Q को अलग अलग लेना है कि सेम लेना है? Q पर है, सेम ले लो, डिफरेंट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। P को क्या ले रहे हो? 3। हाँ, Q को भी 3 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ Q आपका जीरो नहीं रहना चाहिए, बस उतना ही आपको ध्यान देना और कुछ। तो ये कितना आएगा? 3 -21/-9 होएगा। सो दिस विल बी -18/-9। माइनस और माइनस कैंसिल, आंसर क्या रहा है? 2। तो 2 तो रैशनल नंबर है, आपका पसंदीदा वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो जो आपको लेना है। तो आप इधर लिख सकते हो, इधर क्या आ रहा है? इरैशनल आ रहा है। इधर क्या आ रहा है? रैशनल आ रहा है। नीचे का स्टेप्स तो सेम। हाँ श्रीजित, क्या हो गया? सर वो मेरे जब वो नेट गया था तो जॉइन होने को थोड़ा लेट हो गया। कोई प्रॉब्लम, वीडियो है ना, रिकॉर्डेड है, तो वीडियो देख लेना। कुछ डाउट है अभी इसमें? कोई डाउट है तो कुछ नहीं, कोई स्टेप नहीं। सर वो फर्स्ट सेम सम में वो देयरफॉर उसके बाद क्या लिखा है समझ रहा नहीं। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 2+3√t इज इरैशनल। ओके, वही सेम स्टेप। चलो अब टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको टेक्स्ट बुक में था, जो हम लोग ने लास्ट टाइम जब सॉल्व किया था थोड़ा गलती हो रहा था, तो वो हम लोग जरा सॉल्व करते। याद तक हो गया सबका लिख के? हाँ सर। तो टाइप 2, टाइप 2 का क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2√3 इज इरैशनल। ये तो बहुत ही सिंपल है, लास्ट टाइम हमने इधर ही कुछ तो गलती किया था। मैं टेक्स्ट बुक का भी फिर सम देता हूं, जस्ट 1 सेकंड रुकना, आप लोग ये पहले मैं लिखता हूं 1 सेकंड। फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? टू अज्यूम 2√3 इज रैशनल। फिर यहां पे क्या करोगे? 2√3 = P/Q करोगे, √3 = P/Q/2 आएगा, 2 आएगा। हमने लास्ट टाइम इधर गलती क्या किया था, इधर स्क्वायर किया था, तो वैसा नहीं करना है। I'll show when square करना, बाद में बता। तो अभी भी ये जो पार्ट रहेगा ये रैशनल है। अच्छा, ये तो चेक कर सकते हो, P का एक वैल्यू डाल दो, 3 डाल दो P का वैल्यू, Q का वैल्यू -7 डालो। जीरो को छोड़ के कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो। तो ये क्या होएगा? 3/-14, जो एक रैशनल नंबर है। लेकिन आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है? इरैशनल है। तो आप, ये तो बहुत ही सिंपल है, तो आप बोलोगे कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, देयरफॉर आप क्या बोलोगे? Therefore, our assumption is wrong. Therefore, आप क्या बोलोगे? 2√3 is irrational. हाँ जेसन, पूछो क्या हो गया? सर contradiction मतलब? अरे बताया था ना तभी, याद नहीं आ रहा क्या? क्या बताया था तभी? 1 = 2 हो सकता है क्या? ओ, 1 सेकंड है, तो वैसे उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। 1 सेकंड रुकना, पर टेक्स्ट बुक का सम लेता हूं, जस्ट 1 सेकंड। क्या हो रहा है? जस्ट 1 सेकंड रुकना।
सबको टेक्स्ट बुक दिख रहा है क्या बताना? नहीं सर। अभी देखो। यस सर। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस कॉपी करके रखो है, 4√2 3+√5, ये क्वेश्चंस कॉपी करके रखो, 4√2 3√5 एंड 5+√7, तो ये क्वेश्चंस कॉपी करके रखना, ये अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग चालू करो करने को। सर सेम वैसे ही करना है ना, देखो ना 4√2 का मैंने आपको टाइप 2 में बताया था, 3+√5 5+√7 इसको आपको टाइप 1 में समझाया था, वही है सेम। ट्राई करना सब लोग खुद से। अजय सिंह क्या हो गया सर, टाइप 1 और टाइप 2 में से कौन सा भी ले सकते ना? नहीं नहीं, टाइप 2 देखो ना, टाइप 2 में ऐसा लिखा है क्या, रैशनल प्लस इरैशनल ऐसा लिखा है क्या? नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, सिर्फ इरेशनल लिखा है, तो ये क्या हो गया, टाइप 2 हो गया। टाइप 1 देखो जरा, टाइप 1 में क्या है, 2 हमारा रैशनल पार्ट है ना, 3√3 हमारा इरेशनल पार्ट है ना, तो इसको सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है, और जब इरेशनल सिर्फ अकेला रहता है इसको सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है, और सबसे सिंपल है, सेम ही है, बस एक स्टेप कम है इधर, बस उतना ही। क्या लिखोगे, अज्यूम 4√2 इज, क्या लिखोगे सब लोग बताओ, 4√2 इज रैशनल, रैशनल, फिर 4√2 इक्वल टू क्या होएगा, p अपॉन q, तो रूट टू इक्वल टू क्या होएगा, p अपॉन क्या होएगा, p अपॉन 2q होएगा, p अपॉन 4q क्या रहेगा हमारा, रैशनल रहेगा, एंड रूट टू हमारा क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। तो जिसके वजह से क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, देयरफॉर क्या बोलोगे, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 4√2 इज इरेशनल। ठीक है, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सर, इसका कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस की बात, अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 4√2 क्या रहेगा, इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 3+√5 चलो ये 5+ ट्राई करना ये क्वेश्चन, ये देखो ये कौन सा टाइप है, रैशनल प्लस इरेशनल, उसको सॉल्व करने का तरीका सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं, सेम, एक स्टेप कम है, नहीं। स्टेप वन सब लोग बताओ क्या रहेगा, स्टेप वन √5 फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 3+√5 इक्वल टू क्या रहेगा सब लोग बताओ, p अपॉन q फिर p अपॉन q के साइड में किसको लेके जाओगे, 3+3 इधर गया तो क्या होएगा, -3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, q से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, हमारा राइट साइड क्या है, रैशनल, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इरेशनल। लास्ट में क्या बोलोगे, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस देयरफॉर क्या बोलोगे, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 3+√5 इज इरेशनल, 5√7 आप खुद से कर सकते हो, एज अ होमवर्क कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, खुद से कर सकते हो। ठीक है, 2 मिनट देता हूं, चलो जल्दी खत्म कर दो, अभी खत्म,
फिर सब लोग है ना कैलकुलेटर हाथ में रेडी रखो है? कैलकुलेटर रेडी रखना है, फोन का कैलकुलेटर भी चल जाएगा। सर तो मैं कैमरा बंद करूं? अरे रुको अब भी क्यों, मैंने सम दिया ही नहीं। बिजी पहले नेक्स्ट वीक से कंटिन्यूअस टेस्ट रहेगा, एक दिन जो लोग टेस्ट बराबर देंगे उनको छुट्टी मिलेगा एक दिन का, बाकी लोगों का रीटेस्ट होएगा। और टेस्ट कैसे होने वाला है वो तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, क्वेश्चंस दूंगा आपको सॉल्व करने, ऑन द स्पॉट देने वाला हूं, जो लोग बराबर से आंसर देंगे उनको अगले दिन छुट्टी मिलेगा, जो लोग नहीं देंगे बराबर से आंसर उनको अगले दिन वापस रीटेस्ट प्लस होमवर्क मिलेगा। सर कल का टेस्ट भी वैसे होगा? यस हर अभी से जो भी टेस्ट है वैसे होने वाला है, जैसे आपका तैयारी भी अच्छा होएगा, कॉपी भी कोई करेगा नहीं। हाँ नतालिया बोलो। आप अभी क्या ले रहे हो? अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ कैलकुलेटर रेडी रखने बोला। ओके चलो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो सब लोग कैलकुलेटर रेडी रखना, कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो है, पहले देखो फिर कैलकुलेटर यूज करना। देखना सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 लिखोगे, इसके आगे ऐसा 2 जीरो का क्या करोगे जोड़ी ऐसा डालते रहोगे, हम लोग सिर्फ इधर तक ढूंढेंगे ठीक है, इसके आगे ऐसा डॉट 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 डालेंगे। फिर अब आप बताओ 2 का सबसे क्लोजेस्ट रूट कौन है, सबसे पास में कौन है? 1 का रूट आएगा 1 1 जर, तो इधर 1 और 1 लिखोगे, 1 प्लस 1 कितना होएगा? 2 तो ये 2 को यहाँ पे लिखोगे, इधर का डिजिट डिसाइड करना। 2 माइनस 1 कितना होएगा? 1 इसके आगे क्या करोगे, ये 2 जीरो को ऐड करोगे 100। अब क्या करना है ध्यान दो है, इधर है ना नंबर सेलेक्ट करो, चलो कोई नंबर बता दो, कोई भी एक जन नंबर बताओ, यहाँ पे एक नंबर बताओ 4 चलो 4 सेलेक्ट 4 सेलेक्ट कर। अभी इधर 4 लिखा ना तो नीचे भी क्या करोगे 4 लिखोगे, 24 इंटू 4 कितना होएगा? 96 ठीक है। आप लोग क्या करो इससे एक ज्यादा वैल्यू लो, 25 लो, 25 इंटू 25 कितना होएगा पहले चेक करो, चेक करो लिखने के पहले कितना होएगा 125 होगा, तो 125 100 से बड़ा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे 4 सेलेक्ट करेंगे, तो कितना आया था हमारा आंसर 96 आया था। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना होएगा ये 4 उसके four. आगे क्या डालोगे 2 जीरो ऐड करोगे, नीचे कितना आएगा 28। अब यहाँ पे एक नंबर डिसाइड करना है, डिसाइड करो क्या रहेगा, चलो 2 कंसीडर करो, चलो 2 कंसीडर करो, तो 282 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो कितना आएगा 282 इंटू 2 564। तो 564 ले सकते क्या हम लोग? नहीं सर, हम हाँ बोल रहा, कोई तो हाँ बोला शाबाश। अरे 564 400 से बड़ा है ना, नहीं ले सकते, तो इसीलिए हम लोग 281 इंटू 1 करेंगे, तो इधर आएगा 281 इंटू 1 कितना होएगा 281। सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा देखो 119। इसके आगे कितना जीरो डालोगे 2 जीरो 281 प्लस 1 होएगा 282। इसके आगे का डिजिट को डिसाइड करना है, अभी सोचो क्या आएगा इधर 4 चलो 2 ले लो, चलो 2 लेते, चलो 2822 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, कैलकुलेटर यूज करो 564 5644 ये तो बहुत ही छोटा है,
चलो 2 8 2 2 2 3 इंटू 3 करो, देखो कितना आएगा 8 4 6 9। अब जरा 2 8 2 4 इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है 1 1 2 9 6। अभी 1 1 2 9 6 आया। 2 8 2 5 इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है 14,120। तो ये सेलेक्ट कर सकते क्या हम लोग? नहीं, नहीं, क्योंकि ये ज्यादा है। हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे फिर यहाँ पे नंबर? 4 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आएगा एंड इधर कितना आएगा 1 1 2 9 6। सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है, देखो 2 8 2 8। यहाँ का डिजिट डिसाइड करो 6। अच्छा 6, बाप रे। अरे पहले थोड़ा छोटा नंबर चालू कर, 3 से चालू कर, 3 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, देखो कितना आ रहा है 8। ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा करेंगे इसको, 2 करो कितना आ रहा है 5 6 4। क्या बोल, मेरे को समझा नहीं। 5 6 5 6 5 6। ठीक है, ओह वाह शाबाश, देख ऐसे ही होता है। एक सेकंड रुको, ये रुजला बताओ क्या आंसर? 5 6 5 6 4। ओके, क्या ये सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग? इधर 2 आएगा, बस 2 आएगा, तो ये हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर आएगा 2 प्लस, तो ये होएगा 2 8 2 8 4। बस इतना तक ही करना। इधर क्या आएगा -5 6 5 6 4। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 3 8 3 3 8 3। ठीक है, अब इतना ही करना, अभी हम लोग आंसर लिखेंगे। तो पहले ऑफ कोर्स कौन सा डिजिट आएगा? 1 आएगा, क्योंकि इधर क्या था 1 था। फिर डेसिमल पॉइंट डालोगे, फिर नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा आपके हिसाब से? नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। उसके बाद का नेक्स्ट डिजिट 1। फिर नेक्स्ट डिजिट 4। फिर नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा? 2 2। फिर नेक्स्ट डिजिट क्या आ रहा है? 4। नहीं डॉट फैक्टर नहीं बताना, नहीं क्या हमने इतना ही करके रखा। तो आप लोग को टेक्स्ट बुक में रूट 5 दिया है, तो हम लोग रूट 5 करके आज के लिए खत्म करेंगे। ठीक है, रूट 5 आप लोग खुद चालू करना, मैं एक एक करके एक एक स्टेप लिख लेता हूं। 5 के आगे 2 0 2 0। चलो 5 का क्लोजेस्ट रूट कौन है? 2 into 2 4 2 into 2। तो यहाँ पे 2 आएगा, इधर आप 2 लिखोगे, यहाँ पे 4 आएगा, ऊपर 2 आएगा। चलो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 5 - 4? 1 1। और इधर 2 0 ऐड करोगे, 2 + 2 कितना आएगा? 4। अभी यहाँ का डिजिट क्या आएगा डिसाइड करो, क्या आएगा? 2। अच्छा ठीक है 2 देखते हैं। तो 42 into 2 कितना होएगा? 84। चल जाएगा 84। हम लोग चेक करेंगे 43 into 3 कितना आएगा? 1। तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? 43 इधर सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो 42 करेंगे, 84 आएगा, यहाँ पे आएगा 16 और 2 0, ये होएगा 44। डिसाइड करो डिजिट क्या रहेगा। टू सेलेक्ट करके देखो, 442 into 2 करो, 884 आएगा। फिर
443 इनटू 3 करो देखो कितना है 1329 चलो 443 इनटू 4 करो 1779 जो भी 1700 तो मतलब ले नहीं सकते तो इधर क्या लोगे 443 तो ये आएगा 1329 446 आगे का डिजिट डिसाइड करो सबट्रैक्ट करके कितना आएगा 261 आना चाहिए नहीं सर 271 आएगा और इसके आगे क्या करोगे 20 चलो डिजिट डिसाइड करो क्या आएगा 2 देखो एक सिंपल तरीका क्या रहेगा मालूम है क्या इसका फर्स्ट डिजिट चेक करो इसका दो डिजिट चेक कर तो 4 कितना सर 27 आएगा आपके हिसाब से तो 6 से जरा सोचो पहले तो 446 इधर भी वही लॉजिक लगा सकते 4 और पहले का दो डिजिट चेक करना तो इधर हमने वही सोचा ना 444 को 4 से किया पहले ठीक है चलो चेक करो कितना रहा 2676 बस अरे आगे 2679 आगे एक और 6 था सॉरी मेरा गलती हो गया सॉरी अभी मल्टीप्लाई करो 2676 चलेगा क्या ये वैल्यू हाँ सर चल जाएगा yes. इधर प्लस 6 आएगा ये ऐड करो 4502 304 नहीं नहीं माइनस कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ एक सेकंड 4472 आएगा चलो आगे का ये सबट्रैक्ट करके कितना हो रहा है 304 अच्छा ठीक है चलेगा लेस तो लेस अभी क्या कर सकते हैं 304 इसके आगे 20 अब आप सोचो क्या कोई भी नंबर आ सकता है क्या नहीं, नहीं तो इधर आप 0 डाल दोगे कुछ नहीं कर सकते तो 0 आएगा 44720 यहाँ पे 3040000 मजा आएगा इतना ही करो ज्यादा मत करने जब ठीक है तो यहाँ पे 2.2360 .. ठीक है तो आई होप तो अलजेब्रा का जो रिमेनिंग पार्ट था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया अगर कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क के साथ हम लोग का अलजेब्रा ज्योमेट्री कंप्लीट होता है साइंस 1 कंप्लीट होएगा सो नेक्स्ट वीक हम लोग साइंस 2 करेंगे मोस्टली 3 डेज में हम लोग कंप्लीट हो जाएगा चल बाय पर क्लास वर्क में ज्योग्राफी का दोनों एक ही पीडीएफ बनाओ हाँ बस होमवर्क के लिए क्या करना है होमवर्क के लिए